युवा फाउंडेशन द्वारा 5200 किलोमीटर बाइक तिरंगा यात्रा धारा 370 हटाए जाने पर 15 अगस्त को प्रारंभ होकर कन्याकुमारी जम्मू कश्मीर तक राजलक्ष्मी मांडा के नेतृत्व में शुरू की गई थी, जो आज आगरा पहुंची। आगरा पहुंचने पर राजलक्ष्मी मांडा जी और उनके 21 सदस्यों के समूह का स्वागत आगरा सदर बाजार में भारतीय जनता पार्टी आगरा के महानगर संयोजक राष्ट्रीय कार्यक्रम राहुल सागर और मदर्स लैब पब्लिक स्कूल वेस्ट अर्जुन नगर आगरा के बच्चों द्वारा किया गया। इस मौके पर स्कूल के बच्चों द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारों के साथ उनके सभी का अभिनंदन भी किया गया तथा उनका हिंदू रीति रिवाज अनुसार तिलक लगाकर और माला पहनाकर स्वागत हुआ। इस अवसर पर महानगर संयोजक राहुल सागर, हिमांशु सचदेवा, बबलू बी, दीप बघेल, योगेश त्यागी, उदित शर्मा, राहुल दुबे और मदर स्लैब स्कूल के छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कन्याकुमारी में इस रैली को हम शुरू किए हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 5200 किलोमीटर का दूर बुलेट पर तिरंगा लेके हम जा रहे हैं। इस दौरान में आज हम आगरा आने का हुआ, इसमें जो राहुल जी और यहाँ सब लोग ने हमको स्वागत किया और बहुत सारे स्कूल के बच्चों ने स्वागत किया। और इस रैली हमारे भारत देश में 70 साल के बाद 370 हटाने के बाद इस वर्ष पूरा भारत देश में कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक ही तिरंगा को फहराया गया है और ये हमारे लिए बहुत सबके लिए बहुत गर्व की बात है। और इसके लिए पूरा भारत देश, संपूर्ण भारत, अखंड भारत के नामों पर जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी अपनी स्वतंत्रता दिन को आचरण कर रही है, इस दौरान पे हम नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और पूरा भारत देश की जो युवाओं को हम संदेश दे रहे हैं कि हमारे लिए भारत पहले आना चाहिए, हम सब भारतीय हैं। ये भारतीयता को जागरूक करने का एक वजह से हम इस रैली को कर रही है। 3 सितंबर को इस रैली कश्मीर पहुँचेगी और लीगल राइट्स काउंसिल इंडिया युवा फाउंडेशन के द्वारा इसका जो रैली का संचालन आयोजन किया गया है, तो इसमें बहुत सारे लोग हमको मदद कर रही है और प्रेरणा ले रही है। और एक इस आगरा का लोगों को भी और एक बार मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम।